नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान, कोरोना की लगातार स्थिति नियंत्रण में है। 11 नए मामले सामने आए हैं, 4 लोग ठीक हुए हैं, 107 एक्टिव केस मध्य प्रदेश में है। रिकवरी रेट 98.6 है। 64,000 सैंपल लिए गए हैं। प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट की आपूर्ति को लेकर कहा, सितंबर माह तक 60% तक ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो जाएंगे। जीडीपी पर राहुल गांधी के ट्वीट पर राहुल गांधी क्या जाने। जीडीपी का अर्थ, पहली बार जीडीपी की ग्रोथ सबसे ऊपर पहुंची है। हमने कोरोना काल में 80% आबादी को घर बैठे अनाज ही दिया है। जब सब दफ्तर बंद थे, ट्रेन बंद थी, ऑफिस बंद थे, उसके बाद भी घर बैठे मोदी जी ने सबको पेमेंट दी है। 1.25 करोड़ लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर कहा, जब कांग्रेस को अधिवक्ता खड़ा करना था तब करा नहीं, अब चिल्ला रहे हैं। आदिवासी सम्मेलन में कमलनाथ के शामिल होने पर कहा, कमलनाथ 15 महीने में क्या कर रहे थे, अब आदिवासी सम्मेलन कर रहे हैं, इसको घड़ियाली आंसू कहते हैं। जब सत्र बुलाते हैं हल्ला मचाते हैं, जहां बात करना चाहिए वहां बात नहीं करते हैं, जहां हल्ला करना चाहिए वहां हल्ला नहीं करते हैं। इलाहाबाद कोर्ट द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने पर कहा, गाय हमारी माता है, गाय को माँ का दर्जा दिया है हमारी पार्टी और हम शुरू से गाय को आस्था का केंद्र मानते हैं, हम इसके पक्षधर हैं। घरेलू गैस के दाम बढ़ने पर कहा, इसमें राज्य का कुछ नहीं है। दिग्विजय सिंह के ट्वीट, विभाजन करने वाले, धर्म बांटने वाले हैं, यह उनकी राजनीति का एक पाठ है। भोपाल से यश प्रताप गौतम। इसका आंकड़ा पहली बार 57,500 था, इतने ऊपर हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट 20.1 थी। ये कोरोना काल के बाद की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको। कोरोना का वो काल जब 80% आबादी को हमने घर बैठे अनाज दिया था, हमने घर बैठे 100% कर्मचारी को, जब रेल बंद थी, बस बंद था, ट्रक बंद था, कार जीप ऑफिस सारे के सारे बंद थे, तब सारी तनख्वाहें घर बैठ कर दी माननीय मोदी जी ने, शिवराज जी ने। उसके बाद हम जीडीपी का आंकड़ा 20.1 का बता रहे हैं। 1.25 करोड़ मुफ्त की वैक्सीन एक दिन के अंदर लगाने का रिकॉर्ड हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, जो आपके सामने। सर, ओबीसी आरक्षण जिनमें जो माता पिता जिनकी मृत्यु हो गई है उनके बच्चों को 5,000 रुपए का आर्थिक सहायता पर मंथ दी जा रही है, लेकिन जो सिंगल पेरेंट जिनकी डेथ हुई है उनको मदद नहीं मिल पा रही। जो योजना शुरू की थी उसका कार्यक्रम अभी मुख्यमंत्री जी और मैं स्वयं भी था प्रभार के जिले में, अभी मुख्यमंत्री जी ने इंदौर में उसके स्वयं अपने सामने बच्चों को दिए, बच्चों के बयान भी आप ही के चैनलों पे हमने देखे। यहाँ तक आपने सिंगल वाला किया है, ये प्रस्ताव आया है, वो विचार में होगा। कमलनाथ ने भी बड़े वकील किए। अच्छा ये बताओ कि तब क्यों नहीं किए जब करना थे, इसका जवाब तो दे। तब महाधिवक्ता भी खड़ा नहीं किया, अब सबको खड़ा कर रहे हैं, यही तो मूल प्रश्न है। इस कदर हमदर्दी वो जमाने को दिखाते हैं, जिल्म में जख्म देकर अक्सर मरहम लगाते हैं, ये उनकी विशेषता है। सर, कांग्रेस बड़वानी में आदिवासी